स्वागत है आपका अचीवर केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट पेपर ग्रुप थ्योरी के बारे में। और जहां तक पिछले वीडियो में जो है आपने पढ़ा था सिमेट्री एलिमेंट एंड सिमेट्री ऑपरेशन, फिर उसके बाद से हमने स्टार्ट किया सिमेट्री एलिमेंट कितने टाइप के हैं, 5 टाइप्स का पढ़ा, कौन कौन से, आइडेंटिटी पढ़ा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री पढ़ा, सेंटर ऑफ सिमेट्री पढ़ा, प्लेन ऑफ सिमेट्री पढ़ा, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री पढ़ा, ठीक है, और सेंटर ऑफ सिमेट्री पढ़ा। तो ये 5 टाइप के सिमेट्री एलिमेंट हम लोगों ने डिस्कशन किया, ठीक है। उसके बाद से हमने देखा कि पॉइंट ग्रुप स्टार्ट किया। तो पॉइंट ग्रुप जो है 4 पार्ट में बांटा। पॉइंट ग्रुप जो होता है, पहले हमने डिस्कशन किया था पिछले वीडियो में सी टाइप पॉइंट ग्रुप है, इनमें हमने देखा था सीएस टाइप पॉइंट ग्रुप क्या होते, सीएन टाइप पॉइंट ग्रुप क्या होते, सीएनवी टाइप पॉइंट ग्रुप क्या होते और सीएनएस पॉइंट ग्रुप क्या होते। आज इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे डी टाइप पॉइंट ग्रुप जो है क्या होते हैं, है ना। देखिये सीएस टाइप पॉइंट ग्रुप जो होते हैं इसमें क्या होता था, सी एन की जगह यहाँ पे क्या होता था, ओनली सिग्मा होता था, यहाँ पे क्या होता था, ओनली सिग्मा होता था और आइडेंटिटी होता था और नंबर ऑफ ऑपरेशन यानी टोटल ऑपरेशन एन के बराबर होते थे। यानी कि जितना यहाँ पे एक्चुअली टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन इसके 2 हो जाएंगे क्योंकि ये हो गया सिग्मा और एक आइडेंटिटी, तो 2 हो जाते थे, ठीक है ना। और यहाँ सी एन जो है टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन एन के बराबर, तो एन ऑपरेशन में इसकी मान लीजिए अगर सी थ्री जो है क्या आता था, पॉइंट ग्रुप आता था, तो C3 1, C3 2 और आइडेंटिटी, यानी कि नंबर आप यहाँ पे जितना C3 है ये n की वैल्यू ही नंबर आप क्या है, ऑर्डर है, कितने टोटल ऑपरेशन होंगे, तो C3 1, C3 2 और E होंगे, ठीक है ना। CNV में देखा था CN प्लस n सिग्मा भी होते इसमें और इसका जो नंबर ऑफ ऑपरेशन है 2n के बराबर होते थे। और यहाँ पे CNS का नंबर ऑफ क्या होता था, कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट होते थे, सीएन होता था और यहाँ पे सिग्मा एच होता था प्लस जो है एसएन होता था, ठीक है ना, ये सीएनएच में होते थे और यहाँ पे नंबर ऑफ ऑपरेशन जो है 2n होते थे इसके, ठीक है ना। तो यानी अगर C2V की बात करें तो इसमें पूछा जाए नंबर ऑफ टोटल ऑपरेशन कितने हैं, CNV में नंबर टोटल ऑपरेशन कितने हैं, तो 2N के बराबर है और CN में नंबर ऑफ N जो है ऑपरेशन होते हैं। तो यहाँ पे अगर C3 है तो ऑपरेशन 3 हो गया, C4 है तो ऑपरेशन नंबर ऑफ ऑपरेशन कितना हो गया, और 4 हो गया। यानी कि H की वैल्यू, H से हम किसको डिनोट करते, नंबर ऑफ ऑपरेशन, ठीक है, हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑपरेशन इन C3, देन आंसर इज 3, ठीक है ना। तो C2V में कितने ऑपरेशन है, C2 में कितने ऑपरेशन हो जाएंगे, 2N ऑपरेशन, 2 × 2 कितने हो जाएंगे, 4 ऑपरेशन। और यहाँ पे C3V की बात करें नंबर ऑफ कितने ऑपरेशन है, तो 3 × 2 हो जाएंगे, 6 ऑपरेशन हो जाएंगे। C4V की बात करें यानी C4V में टोटल कितने सिमेट्री एलिमेंट पाए जा रहे हैं, कितने ऑपरेशन है टोटल, तो क्या हो जाएंगे, 4N हो जाएंगे, 2N हो जाएंगे, 2 × 2 हो जाएगा, ये कितना हो गया, 4 हो गया, है ना। तो आज हम बात करेंगे नेक्स्ट जो है डी टाइप जो है सिमेट्री पॉइंट ग्रुप के बारे में। उसके बाद से हम डिस्कशन करेंगे एसएन टाइप पॉइंट ग्रुप, फिर हम डिस्कशन करेंगे हाई सिमेट्री पॉइंट ग्रुप, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल और आइकोसाहेड्रल, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं डीएन टाइप पॉइंट ग्रुप में कितने टाइप पॉइंट ग्रुप होते हैं। तो देखिये फर्स्ट पॉइंट ग्रुप होता है डीएन पॉइंट ग्रुप और डीएनएस पॉइंट ग्रुप दूसरा होता है और तीसरा डीएनडी पॉइंट ग्रुप होता है, ठीक है ना। तो पहले हम डिस्कशन करेंगे डीएन पॉइंट ग्रुप। देखिए आपके सिमेट्री एलिमेंट में डीएन कैसे आता, तो जब भी सिमेट्री एलिमेंट में जो है सीएन जो है परपेंडिकुलर एन सी टू आ जाए, और ये केस कब होता था, देखिए यहाँ पे ये प्लेनर मॉलिक्यूल के केस में होता था। जैसे BF3 का केस लेते थे तो BF3 में क्या होता था कि C3 पाया जाता था और इसके परपेंडिकुलर क्या होता था, C2 होता था। तो C3 परपेंडिकुलर C2 आ रहा है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, D3 में, ठीक है ना। जब भी CN परपेंडिकुलर एन C2 आ जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा D3 में। जैसे पॉइंट ग्रुप आप लिख रहे थे तो केवल वाटर मॉलिक्यूल में क्या होता था, केवल C2 होता था और 2σV होते थे, यहाँ पे कोई परपेंडिकुलर नहीं होता था, C2 कोई परपेंडिकुलर नहीं है। लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री जहां पे प्रेजेंट होती, यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री जो हॉरिजॉन्टल प्लेन होता, सिग्मा एच जहां पे होता, यानी प्लेनर मॉलिक्यूल जहां होता, वहां पे क्या होगा, C3 परपेंडिकुलर 3C2 होगा, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, D3 में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे D3 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और भी जो जो ऑपरेशन है यहाँ पे लगाएंगे, ठीक। तो हम डीएन के बारे में
बात कर रहे हैं तो डीएन में कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है, तो डीएन में केवल सीएन परपेंडिकुलर एन सी टू प्रेजेंट है, इसे हम कहते हैं क्या डीएन पॉइंट ग्रुप, ठीक है ना। तो डीएन पॉइंट ग्रुप में एक एग्जाम्पल जो है आपको हम बता रहे हैं वो आप याद कर लीजिए, जैसे यहाँ पे देख लीजिए D3 जो है D3 पॉइंट ग्रुप किसमें प्रेजेंट है, ठीक है। तो D3 पॉइंट ग्रुप जो होता है किसमें प्रेजेंट है, एक मॉलिक्यूल है COEN थ्वाइस और थ्री पॉजिटिव, COEN थ्वाइस थ्री पॉजिटिव एक एग्जांपल है, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। D3 पॉइंट ग्रुप प्रेजेंट है इसमें, और इसमें क्या होता होगा C3 परपेंडिकुलर 3C2 पाया जाता, ठीक है ना, C3 परपेंडिकुलर 3C2 पाया जाता है किसमें, इसमें। इसका जो स्ट्रक्चर बनाएंगे ये क्या एथिलीन डाइएमीन बाइडेंडेट लिगेंड, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया 3 × 6, 3 × 2 कितना हो गया 6 हो गया, यानी ऑक्टाहेड्रल बनाएगा, ऑक्टाहेड्रल बनाएगा। उसमें से भी क्या होगा कि ये जो है ये जो बॉन्ड है ना ये बिलो द प्लेन है, ये जो बॉन्ड है ना बिलो द प्लेन है, ये जो बॉन्ड है ना अबव द प्लेन है, ये जो बॉन्ड है अबव द प्लेन है, ये ऊपर नीचे है। तो इसका जो स्ट्रक्चर कुछ बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर एथिलीन डायमीन का कुछ ऐसा बनने वाला। तो यहाँ पे जो क्या होगा इसको हम ऐसे लिख सकते, देखिए ये पीछे का साइड, ये पीछे का साइड, ठीक है, और ये नीचे है, यानी ये जो है बिलो द प्लेन, इसको ऐसे कर दीजिए ये आगे की तरफ और ये जो है पीछे की तरफ, तो ये तीनों मिलके एक ट्राइंगल बना रहे, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है कि यन यन यन, ठीक है, ये अबव द प्लेन आ जा रहे हैं और बाकी पीछे जो है यन 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 इधर आ जा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे C3 परपेंडिकुलर 3C2 होगा, इसको आप याद रखिएगा कि जब भी D3 पॉइंट ग्रुप के बारे में पूछा जाएगा तो एग्जांपल क्या होगा COEN थ्वाइस, ठीक है, COEN थ्वाइस थ्री पॉजिटिव। नेक्स्ट हम बढ़ते डीएनडी और डीएनएस के बारे में, देखिए यहां से बहुत इंपॉर्टेंट जो है स्टार्ट हो रहा है पॉइंट ग्रुप। देखिए मैक्सिमम एग्जाम में जो है डीएनएस पॉइंट ग्रुप्स और डीएनडी पॉइंट ग्रुप से पूछा जाता, ठीक है, तो हम एक तरफ लिखते डीएनडी पॉइंट ग्रुप और एक तरफ लिखते डीएनएस पॉइंट ग्रुप, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो गया डीएनडी पॉइंट ग्रुप और यहाँ पे हो गया डीएनएस पॉइंट ग्रुप, तो एक साइड हम लिखते ये स्टैगर्ड टाइप के मॉलिक्यूल में पाया जाता, ये स्टैगर्ड मॉलिक्यूल में पाया जाता, स्टैगर्ड मॉलिक्यूल, और ये जो है प्लेनर मॉलिक्यूल बोल सकते इक्लिप्स मॉलिक्यूल में पाया जाता, इक्लिप्स्ड मॉलिक्यूल में पाया जाता। अच्छा ये इक्लिप्स्ड क्या है और स्टैगर्ड क्या है आप जानते होंगे, स्टैगर्ड क्या है और इक्लिप्स क्या है, तो देखिए हम एक क्या बनाए एथेन बनाए, एथेन का स्ट्रक्चर ये होता है आप जानते होंगे, एथेन का हम अगर ये स्ट्रक्चर बनाए तो इससे हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है एथेन है, एथेन का एक कार्बन मॉलिक्यूल है, एथेन का दूसरा कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। तो ये जो है इसका अगर इस टाइप से स्ट्रक्चर बनाए, ये स्टीरियो केमिस्ट्री आप पढ़े होंगे तो वहां पे जो है चार टाइप के जो है प्रोजेक्शन होते हैं, यानी चार टाइप के हम जो भी हाइड्रोकार्बन उसको लिख सकते, पहला जो है न्यूमान प्रोजेक्शन, दूसरा जो है सहार्स, तीसरा जो है फिशर और चौथा जो है वेस्टडेज फार्मूला। तो ये सहार्स फार्मूला लिखा गया है किसका एथेन का, ये न्यूमैन प्रोजेक्शन है किसका एथेन का, न्यूमैन में ये पहला वाला कार्बन जो आगे है, पहला वाला कार्बन अगर आगे लिख रहे हैं तो हाइड्रोजन ऊपर हाइड्रोजन नीचे हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक है ना, और ये दूसरा वाला ये फ्रंट कार्बन है, ये क्या है बैक कार्बन है, तो बैक कार्बन में क्या होंगे यहाँ पे हाइड्रोजन हम लिख दे, अगर देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है ये HH इससे ओवरलैप, यानी ये इस हाइड्रोजन को अगर इधर से व्यू किया जाए, इधर से देखा जाए तो ये हाइड्रोजन के पीछे ठीक हाइड्रोजन ही पड़ रहा है ना, लेकिन इस हाइड्रोजन के पीछे दूसरा हाइड्रोजन नहीं है, यानी कि ये स्टैगर्ड है, ठीक है ना, ये स्टैगर्ड है। अच्छा इक्लिप्स हम स्ट्रक्चर बनाए किसका, न्यूमैन में इक्लिप्स बना दे तो इक्लिप्स क्या हो जाएगा, ये फ्रंट कार्बन हो गया हमारा, ये फ्रंट हो गया और इसी के ठीक पीछे 180 डिग्री पे ठीक पीछे क्या होगा, सॉरी 0 डिग्री पे ही क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा बैक कार्बन हो जाएगा, यानी इसके पीछे ठीक जो एक कार्बन है दूसरा वाला कार्बन हमको दिखाई ना दे, ठीक है ना, तो इसको इक्लिप्स्ड मॉलिक्यूल बोलेंगे, यानी एक कार्बन फ्रंट का उसके पीछे ठीक पीछे फ्रंट का, ठीक है ना, बैक का कार्बन,
ठीक है, ये इक्लिप्स हो गया, ये क्या हो गया, स्टैगर्ड हो गया। इक्लिप्स स्टैगर्ड अगर हमें बनाना है तो क्या करें, अगर इससे इक्लिप्स से स्टैगर्ड बनाना है तो इस पीछे वाले हाइड्रोजन को या आगे वाले हाइड्रोजन को क्या करेंगे, हम 60 डिग्री रोटेट कर दें, यानी इस हाइड्रोजन को पकड़ के यहां पर हाइड्रोजन, तो ये क्या हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर बना लेगा, इसको बोलेंगे एथेन का स्टैगर्ड स्ट्रक्चर, और इसे बोलेंगे एथेन का इक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये क्या है, ये न्यूमैन प्रोजेक्शन हम लिए हैं। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन किसका, एथेन का। अब देखिए यहाँ पे स्टैगर्ड मॉलिक्यूल हो गया। डीएनडी में कौन कौन से जो है सिमेट्री ऑपरेशन होते, डीएनडी में अब से डीएन आने के लिए क्या होगा, डीएन आने के लिए सीएन परपेंडिकुलर एन सी टू होगा, ये तो आपने पढ़ा अभी, सीएन परपेंडिकुलर एन सी टू होगा, और साथ में प्लस जो है एन सिग्मा डी होगा, एन सिग्मा डी होगा, यानी सीएन परपेंडिकुलर एन सी टू प्लस एन सिग्मा डी होगा, और इसके टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन जो होंगे 4n होगा। जैसे वाटर मॉलिक्यूल में, जैसे सीएनवी में क्या होता था कि पॉइंट ग्रुप में कितने टोटल नंबर ऑपरेशन होते थे, तो 2n ऑपरेशन होते थे, वैसे डीएनडी और डीएनएच में टोटल जो नंबर ऑफ ऑपरेशन होंगे वो कितने होंगे, 4n होंगे। ठीक है ना, तो 4n ऑपरेशन इधर भी है और 4n ऑपरेशन इधर भी है। ठीक है, तो डीएनडी ले रहे हैं, इधर क्या ले ले, यानी कि डीएनएच बराबर हो जाएगा, कौन कौन से इसमें पॉइंट ग्रुप होते, तो आइडेंटिटी होता प्लस जो है सी एन होता परपेंडिकुलर एन सी टू होता पर प्लस एन सिग्मा वी होता प्लस वन सिग्मा एच होता प्लस, देखिए यहां पे सी एन भी आया है सिग्मा एच भी आया है, तो क्या हो जाएगा, एस एन भी होगा, सी एन आया है सिग्मा एच आया है, और याद करिए कि सी एन परपेंडिकुलर यहाँ पे सिग्मा एच होता था तो क्या होता था, ये एस एन ऑपरेशन है, तो यानी यहाँ पे एस एन भी होगा। ठीक है ना, एसन भी होगा, तो ये हो जाएगा, ये हमारा स्ट्रक्चर क्या हो गया, स्टैगर्ड, ये क्या हो गया, इक्लिप्स्ड हो गया। तो देखिए यहाँ पे ये कितने एंगल से घूमेगा, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ कब आएगा, जब इसको 120 पे रोटेट किया जाए, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ कब आएगा, जब इसको 120 रोटेट किया जाए, ये यहाँ कब आएगा, 120 से। ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल में एथेन का जो स्टैगर्ड स्ट्रक्चर है, जो इसको इक्लिप्स फॉर्म नहीं है, यानी कि इसके पीछे ठीक नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C3 प्रेजेंट है। ठीक है, और आइडेंटिटी तो है ही, और C3 परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, NC2 मिलेगा, यानी कि 3C2 मिलेगा, तो C3 प्रेजेंट है, और साथ में क्या है, 3C2 है ना, और साथ में 3 जो है सिग्मा डी हो जाएंगे, साथ में 3 सिग्मा डी हो जाएंगे, तो इसका पॉइंट ग्रुप देखिए क्या हो जाएगा, C3 परपेंडिकुलर NC2, C3 परपेंडिकुलर 3C2 मिलके क्या बना रहे हैं, D3 बना रहे हैं, और प्लस जो है सिग्मा डी है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, D3 पॉइंट ग्रुप हो जाएगा, है ना। अब इसका इक्लिप्स के लिए देखा जाए, तो इक्लिप्स के लिए क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी तो है इसमें, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ कब आ जाएगा, जब 120 घुमाएंगे, यानी क्या हो जाएगा, C3 तो इसमें है, और परपेंडिकुलर कितने C2 होंगे, यानी कि कितने C2 होंगे, 3C2 होंगे, जितना ये उतना C2, तो यहाँ पे C2 हो गया, और क्या होंगे इसमें, प्लस कितने सिग्मा भी होंगे, तो 3 सिग्मा भी होंगे, देखिए जितना C3 उतना सिग्मा भी, यानी जो यहाँ पे n की वैल्यू होती है उतने सिग्मा भी होते। ठीक है, तो यहाँ पे 3 सिग्मा भी हो गया, और प्लेनर है तो 1 सिग्मा h, यानी इक्लिप्स फॉर्म है तो 1 सिग्मा h, देखिए ऐसे वाला सिग्मा h, यानी कि पहले हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री चेक किए इसको रोटेट करके, ठीक है, और फिर रोटेशन करेंगे तो C2 भी यहाँ पे आएगा, C2 भी यहाँ पे आएगा, और C2 के बाद इसको ऐसे कट करें, ऐसे कट करें, और ऐसे कट करें, तो क्या हुआ, 3 सिग्मा B भी आया, और इसमें 1 सिग्मा H, यानी कि जो फ्रंट कार्बन है बैक कार्बन है बिल्कुल बीचों बीच से काट सकते, तो यहाँ पे सिग्मा H भी आया। अब यहाँ पे देखिए C3 है और यहाँ पे सिग्मा H है, तो S3 भी आया। अब देखिए यहाँ पे क्या आया, C3 परपेंडिकुलर 3C2 आ गया, इसको हम बोल दे रहे हैं D3, ठीक है ना, और ये सिग्मा बी और सिग्मा एच दोनों आ रहे हैं, तो याद करिए पिछले वीडियो में हमने बोला था कि जब सिग्मा बी और सिग्मा एच दोनों आ जाएंगे तो प्रियोरिटी किसको देंगे, सिग्मा एच को देंगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन को देंगे, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या है, सिग्मा एच हमारा क्या हो जाएगा, D3H पॉइंट ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल समझते, देखिए एक इस तरह का मॉलिक्यूल है, साइक्लोब्यूटेन है ब्यूटेन और सीओ, ये ठीक है, देखिए एक स्क्वायर ऊपर है, एक स्क्वायर ऊपर है, स्क्वायर के बीच में सीओ है
और यहाँ एक स्क्वायर तो है लेकिन ये इस तरह का स्ट्रक्चर बना रहा है स्क्वायर जो है, ठीक है। तो ये ठीक, अगर हम स्क्वायर ऐसे ले, ठीक है, एक कॉपी ले रहे हैं, ये जो स्क्वायर है और दूसरी एक कॉपी ले रहे हैं, ये एक स्क्वायर है और इसके बीच मेटल है, सीओ है, तो ठीक अगर इसके ऊपर आ जाए, ठीक है, देखिए यहाँ पे ओवरलैप कर गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये इक्लिप्स स्ट्रक्चर है। लेकिन इसको हम ऐसे घुमा दें, ठीक है, इसको एक ऐसे रहने दें, इसको ऐसे घुमा दें, अब क्या होगा, ये स्टैगर्ड हो गया। देखिए एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के ऊपर नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्लिप्स, ये स्टैगर्ड हो जाएगा। और इक्लिप्स बनाने के लिए क्या करेंगे, ये जो है सीओ, सीओ बिल्कुल ऐसा सेम स्ट्रक्चर, यानी कि ये ओवरलैप कर जाए, इसके ऊपर जो है सुपर इम्पोज हो जाए, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे इसको, इक्लिप्स स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो डीएनडी है यहाँ पे, और ये देखिए 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 में क्या होता है, C4 होता है, तो यानी आइडेंटिटी है इसमें, और यहाँ पे क्या है, C4 है, ठीक है, परपेंडिकुलर 4C2 है, ठीक है, और साथ में 4σD है। अब देखिए यहाँ पे 4C4 और यहाँ पे कितने C4 होंगे, अगर देखा जाए तो कितने होंगे, तो 4 यहाँ पे तो 3C4 हो जाएगा, 4 यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 3C4 हो जाएगा, ठीक है। 3C4 कैसे, C41 को पहली बार, C42 को दूसरी बार, C43 को तीसरी बार, C44 को चौथी बार, ये तो आइडेंटिटी हो गया, 4 बन जाए 4 आइडेंटिटी हो गया, ठीक है ना। तो ये 3C4 जो है क्या हो गए, यहां से हो गए, ठीक है ना। तो ये C4 परपेंडिकुलर 4C2 है, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, D4 में, और यहाँ σD है, स्टैगर्ड है, तो D4 D पॉइंट ऑफ हो जाएगा। ये इक्लिप्स है, यानी C4 है परपेंडिकुलर 4C2 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, D4 हो जाएगा और H हो जाएगा, यानी 4σV आएगा इसमें और एक σH आएगा, तो σH को प्रायोरिटी दे देंगे, क्या हो जाएगा, D4 H पॉइंट ऑफ हो जाएगा। ऐसे जो है फेरोसिन, अगर देखा जाए फेरोसिन, ऐसे में अगर जो है फेरोसिन देखा जाए, तो फेरोसिन का जो है ये जो साइक्लोपेंटाडाइन है, इसके ऊपर अगर ओवरलैप नहीं कर रहा, यानी कि ये स्ट्रक्चर अगर इसको हम ऐसे बना दें, ये स्टैगर्ड है, देखिए ये ऐसे है और ये ऐसे है, यानी कि ये जो है ऊपर, ये टिप जो है इस साइड में है और ये जो है टिप इस साइड में है, ठीक। तो ये ऊपर ऐसे है, बिल्कुल हाथ को ऐसे रख रहे हैं, तो एफी स्टैगर्ड फॉर्म में है। अगर एक हाथ ऐसे है, एक हाथ ऐसे रख दे, तो इक्लिप्स फॉर्म में है, ठीक है ना। तो एक बार फेरोसिन को हम रखते हैं स्टैगर्ड, एक बार फेरोसिन को रखते क्या, इक्लिप्स्ड। तो स्टैगर्ड वाले पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा, C5 परपेंडिकुलर 5C2 प्लस जो है 5σD हो जाएगा। तो यहाँ पे 5C5 परपेंडिकुलर C5, अगर 5C2 है तो क्या हो जाएगा, D5 हो जाएगा, और यहाँ पे D हो जाएगा, D5D हो जाएगा। अगर यही फेरोसिन हम इक्लिप्स फॉर्म में लें, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, स्टैगर्ड इक्लिप्स फॉर्म में लें, तो C5 परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, C2 5C2 और 5σV और एक σH भी आ रहा है, तो यानी 5 से यहाँ पे D5 हो गया और एक σB एक σH, तो क्या हो गया, D5H इसका पॉइंट ग्रुप हो गया, ठीक है। आइए जानते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ ऑपरेशन जो 4N है, किसके, DND के और DNH के नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने हैं, 4N। तो 4N में क्या होगा, D2। अच्छा एक एग्जांपल और देख लेते हैं D2H का। जैसे यहाँ पे देखिए इक्लिप्स, ये हमारा एथिलीन है, ये हमारा क्या है, एथिलीन मॉलिक्यूल है। अच्छा एथिलीन मॉलिक्यूल देखिए रिएक्टेंगल की तरह दिख रहा है, ठीक है, रिएक्टेंगल की तरह। एक बार अगर C2 को हम ऐसे घुमाए, तो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ आएगा, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, ठीक है, ठीक इसके परपेंडिकुलर। एक बार तो ऐसे घुमाए, और एक बार ऐसे भी हम रोटेट कर सकते, और एक बार ऐसे भी रोटेट कर सकते, यानी यहाँ पे आइडेंटिटी है, और साथ में C2 है, परपेंडिकुलर 2C2 है, और साथ में 2σV होगा। देखिए एक C2 ऐसे घुमाए तो C2, ऐसे घुमाए तो इसको यहां ले आए 180 पे, और एक बार ऐसे घुमा दिए, ठीक है, तो C2 परपेंडिकुलर 2C2 है। एक को प्रिंसिपल मान लीजिए, दो को क्या हो गया, सेकेंडरी एक्सिस हो गया, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब यहाँ पे एक बार ऐसे काटिए, एक बार ऐसे काटिए, तो प्रिंसिपल एक्सिस अगर ऐसे माना है, एक बार ऐसे काटिए और एक बार ऐसे काटिए, 2σV हो गया, ठीक है ना। और इसके साथ साथ एक प्रिंसिपल एक्सिस के ऐसे भी कट सकता, यानी परपेंडिकुलर आ सकता, तो यहाँ पे क्या बोल देंगे, 1σH आ जाएगा, ठीक है। अब C2 आया है और σH आया, तो क्या आ जाएगा, H2 भी आएगा, और H2 आप जानते हैं क्या होता है, I होता है। अच्छा देखिए पॉइंट को
फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सी टू परपेंडिकुलर टू सी टू आया ना तो क्या होगा डी टू आया, और सिग्मा भी सिग्मा एच आया ना तो क्या होगा डी टू एच आया, तो हमारा पॉइंट ग्रुप हो गया। ठीक है, एक छोटा सा ट्रिक बताया आपको कि देखिए पॉइंट को देखते ही कैसे पहचानना है। देखिए बेंड टाइप का मॉलिक्यूल है, बेंड टाइप का वाटर है, तो बेंड में क्या था आइडेंटिटी था और सी टू था और टू सिग्मा वी था, यहाँ पे कोई परपेंडिकुलर सी टू नहीं आ रहा था, तो यहाँ पे पॉइंट ग्रुप सी टू और वी हो गया, यानी यहां से वी और सी टू पॉइंट ग्रुप हो गया। अमोनिया मॉलिक्यूल ये क्या था पिरामिडल था, तो क्या था आइडेंटिटी और सी थ्री और सिग्मा वी था, ठीक है यहाँ पे टू सी थ्री, जितने सी थ्री होते हैं यहाँ पे एक कम कर दीजिए टू हो जाएगा टू सी थ्री, जैसे सी थ्री वन सी थ्री टू सी थ्री थ्री का क्या है ये आइडेंटिटी हो गया। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सी थ्री और सिग्मा भी हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे क्या हो जाए प्लेनर कोई मालिक्यूल आ जाए, जैसे बी एफ थ्री आ गया ट्राइगोनल प्लेनर, तो क्या हो जाएगा आइडेंटिटी प्लस सी थ्री परपेंडिकुलर थ्री सी टू, जहां आया तो इसको डी थ्री में कन्वर्ट हो गया, और जब प्लेनर आएगा ना तो थ्री सिग्मा बी भी आएगा एक सिग्मा एच भी आएगा, तो ये डी थ्री एच पॉइंट ग्रुप हो गया। वही स्क्वायर प्लेनर की बात करें यानी पीटी सीएल फोर टू माइनस की बात करें तो क्या होगा ये सीएल 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 स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आइडेंटिटी हो जाएगा फोर सी फोर हो जाएगा फोर सी टू हो जाएगा फोर सिग्मा बी और एक सिग्मा एच, तो यहाँ पे फोर सी टू क्या हो गया सी फोर परपेंडिकुलर फोर सी टू क्या हो गया सी फोर नहीं डी फोर में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे सिग्मा भी और सिग्मा एच है तो क्या हो जाएगा डी फोर एच पॉइंट ग्रुप हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा पॉइंट ग्रुप निकालने का बहुत ही आसान तरीका है कि पिरामिड टाइप का है तो वी टाइप का पॉइंट ग्रुप है। ठीक है ना, यानी सी टू वी सी थ्री वी स्क्वायर पिरामिड सी फोर वी, और यहाँ पे ट्राइगोनल प्लेनर की बात कर रहा है तो ट्राइगन तीन है तो यानी डी थ्री एच है। ठीक है ना, डी फोर स्क्वायर प्लेनर है तो क्या हो जाएगा यानी डी फोर एच है। ठीक है ना, हम अगर आपसे कह दें कि ये स्क्वायर दे रखा है आप क्या निकालिए पॉइंट ग्रुप निकालिए, तो देखिए इसमें कौन सी एक्सिस प्रेजेंट है सी फोर है साथ में फोर सी टू है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी फोर हो जाएगा, यहाँ पे चार सिग्मा भी एक सिग्मा एच है तो डी फोर एच पॉइंट ग्रुप हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट हम देखते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने होते हैं इसमें, टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन। देखिए टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन सी एन डी एन में कितने हैं टू एन है, और डी एन एच में कितने हैं फोर एन है, और डी एन डी में कितने हैं फोर एन है। ठीक है, तो एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएगा कि डी फोर एच का डी टू एच का नंबर ऑफ ऑपरेशन लिखिए। ठीक है, हाउ मेनी ऑपरेशन इन डी टू एच। ठीक है, तो इसको क्या करना होगा डी टू एच को फिर से उल्टा चलिए, जैसे पहले हम क्या कर रहे थे पॉइंट ग्रुप फाइंड कर रहे थे वैसे इसमें उल्टा चलना है कितने नंबर आप टोटल ऑपरेशन होंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले टोटल ऑपरेशन निकालिए फोर एन से, तो फोर इंटू क्या हो जाएगा टू, यानी ये वैल्यू जो टू है तो फोर इंटू टू एट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने आने चाहिए इसके एट आने चाहिए। ठीक है ना, तो एट आने चाहिए, और क्या है ये डी टू एच है, डी टू एच है तो आइडेंटिटी तो सब में होता है, आइडेंटिटी तो सब में होता है, और यहाँ पे सी टू और परपेंडिकुलर टू सी टू होगा तभी तो ये डी टू आया होगा। देखिए डी टू एच कब आया होगा, ये डी टू में कन्वर्ट कब हुआ होगा जब सी टू परपेंडिकुलर टू सी टू रहा होगा। अच्छा ये सी टू है तो कितने सी टू है, वन सी टू है, क्योंकि एन माइनस वन सी टू होता है। ठीक है ना, और परपेंडिकुलर प्लस जो है, और देखिए टू सिग्मा एच है ना तो टू सिग्मा वी होगा इसमें प्लस वन सिग्मा एच होगा। ठीक है, टोटल एट लाने हैं जी, टोटल एट लाने हैं, तो यहाँ पे एक हो गया, यहाँ पे दो हो गया, दो दो चार हो गया, चार दो छह हो गया, एक सात हो गया, प्लस जो है देखिए यहाँ पे सी टू आया है सिग्मा एच भी आया है, यानी कि एस एन ऑपरेशन बराबर क्या होता है सी एन परपेंडिकुलर सिग्मा एच, तो यानी सी एन भी है सिग्मा एच भी है, यानी सी टू भी है सिग्मा एच भी है, क्या हो गया एस टू बन गया, और एस टू बराबर क्या होता है आई होता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आई भी हो जाएगा। ठीक है, ये टोटल हमारे एट ऑपरेशन हो गए, टोटल हमारे एट ऑपरेशन हो गए। ठीक है, अभी क्लास की बात भी करेंगे कि कितने टाइप के ऑपरेशन है उसे हम बोलते हैं क्लास। अभी हम लोग ऑर्डर की बात कर रहे हैं, यानी कि फोर एन ऑपरेशन कितने हैं वो ऑर्डर है, यानी कि इसमें एट ऑर्डर हो गया, एच इक्वल टू एट ऑर्डर हो गया। अच्छा डी थ्री एच की बात करते, डी थ्री एच की बात करते तो डी थ्री एच में क्या है आइडेंटिटी है, ठीक है सी थ्री है, ठीक है कितने सी थ्री है टू, कैसे सी थ्री वन सी थ्री टू है ना, सी थ्री थ्री तो आइडेंटिटी हो गया ना,
सी थ्री थ्री तो कैंसिल हो गया, वन हो गया, सी वन बराबर क्या होता है आइडेंटिटी, यानी कि इसको हमने लिखेंगे कितने ऑपरेशन, वन और टू, यानी टू सी थ्री लिख दिया हमने। और कितने सी टू होंगे, तब सी थ्री यहाँ पे तो कितने सी टू, थ्री सी टू, ये नंबर में कितना है जी तीन है, और ये नंबर में कितना है दो है, ये नंबर में कितना है वन है, ठीक है। और साथ में टू सिग्मा भी आएंगे, यहाँ पे नंबर कितना है इसका टू है, यहाँ पे वन सिग्मा एच आएंगे, नंबर कितना है वन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सी थ्री है, सिग्मा एच है, तो क्या आएगा एस थ्री आएगा, एस थ्री कितना होना चाहिए ये डिपेंड करेगा कि फोर एन ऑपरेशन है, तो फोर इंटू क्या हो जाएगा एन, यानी फोर इंटू थ्री हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 12। इसको गिनते हैं, वन प्लस टू थ्री, थ्री प्लस सिक्स, सिक्स और थ्री कितना नाइन, और नाइन और थ्री क्या हो जाएगा, नाइन और थ्री क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे थ्री नहीं होना चाहिए, देखिए कुछ गड़बड़ हो रहा, आइडेंटिटी सी थ्री, टू सी थ्री, थ्री सी टू, टू सिग्मा वी, एक सिग्मा एच, एस थ्री, एक ऑपरेशन ही हो गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गई, आइडेंटिटी सी थ्री हो गया, एक और दो यहाँ पे तीन, तीन तीन छह, तीन नौ, तीन बारह, ठीक है। सी थ्री ऑपरेशन जो है, अच्छा देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये डी थ्री है ना, यहाँ डी थ्री है, टू सी थ्री है, टू सी थ्री है, थ्री सी टू है, यहाँ पे टू सिग्मा भी नहीं होंगे, जितने जो है सी थ्री होते हैं उतने सिग्मा भी होंगे, तो यहाँ पे एस थ्री क्या हो जाएगा टू हो जाएगा। क्यों हमने बोला कि गड़बड़ हो जा रहा है, यहाँ पे एस थ्री है ना, तो यहाँ एस थ्री वन, एस थ्री टू, एस थ्री थ्री हो जाएगा, ये तो आइडेंटिटी हो जाएगा ना, तो यहाँ से हमें जैसे थ्री लिखा तो पता चला कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि टू सिग्मा भी नहीं होगा, कितना होगा थ्री सिग्मा भी होगा। ऐसे ये कितने नंबर में ऑर्डर हो गए, फोर, इसका क्या हो गया ऑर्डर क्या हो गया फोर एन हो गया, ठीक है ना, और हमारे ट्वेल्व जो है ऑपरेशन हो गया, ठीक है ना, ट्वेल्व ऑपरेशन हो गया। वैसे अगर डी फोर एच की बात करें तो डी फोर एच में कितने टोटल ऑपरेशन होंगे, ठीक है, आइए देखते हैं डी फोर एच में कितने ऑपरेशन होंगे, डी फोर एच, ठीक है ना, तो देखिए ये आइडेंटिटी तो सब में होता, ये नंबर कितना हो गया इसका वन हो गया, ठीक है। डी फोर कैसे आया होगा, सी फोर आया होगा, परपेंडिकुलर फोर सी टू आया होगा, ठीक है, तो सी फोर वन, सी फोर टू, सी फोर क्या हो जाएगा थ्री, यानी टोटल कितने ऑपरेशन यहाँ पे थ्री सी फोर, और फोर सी टू है तो यहाँ पे क्या हो गया फोर नंबर हो गया, फोर सिग्मा वी है तो यहाँ पे क्या हो गया फोर हो गया, एक सिग्मा एच है तो यहाँ पे क्या हो गया वन हो गया। अच्छा सी फोर है, सिग्मा एच भी है, तो क्या आना चाहिए यहाँ पे एस फोर आना चाहिए, है ना, एस फोर आना चाहिए, एस फोर नंबर कितना होना चाहिए, देखिए फोर इंटू एन, फोर इंटू फोर सिक्सटीन नंबर ऑफ ऑपरेशन होने चाहिए, नंबर ऑफ ऑपरेशन क्या होने चाहिए 16 होने चाहिए, तो वन प्लस थ्री फोर हो गया, फोर प्लस फोर एट हो गया, एट प्लस फोर कितना 12 हो गया, और 12 एक कितना हो गया 13, तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 और 3 के 16, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन 16 हो गए। अच्छा एक चीज और देखिए, यहाँ पे n इक्वल टू अगर 4 है, ठीक है, तो ये n इक्वल टू 4 है, यानी कि इवन नंबर है, इवन नंबर है, ठीक है ना, इवन नंबर जब भी होगा तो ये किसके लिए होगा, स्क्वायर प्लेनर के लिए डी फोर एच आया होगा, देखिए पीटीसीएल फोर, पीटीसीएल फोर यहाँ पे तो आई भी तो है, ये बाउंड रिफ्लेक्ट कर रहा है, कट कर रहा है, ये बाउंड रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसको कट कर रहा है, यानी कैंसिल आउट कर रहा है, आई भी तो होगा, हमने आई का कोई मेंशन नहीं किया, यानी जो ये एस फोर है ना वहां से एक आई भी मिलेगा, यानी एस फोर टू हो जाएगा और यहाँ पे आई एक हो जाएगा, अब जाके 16 होगा ये, ठीक है ना, यानी एस फोर टू हो जाएगा और यहाँ आई भी होगा। अगर ये नंबर यानी डीएनएच में, डीएनएच में एन का नंबर इवन हो तो आई प्रेजेंट है, आई प्रेजेंट है, एन का नंबर आड हो तो आई क्या है ऑब्सेंट है, यानी डीएनएच के केस में आई अगर प्रेजेंट है तो एन का नंबर इवन होगा, ठीक है ना। अच्छा देखते हैं डीएनडी के कुछ केस देखते हैं, डीएनडी में क्या होगा, डी थ्री डी, डी थ्री डी में नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने होंगे जी, फोर इंटू थ्री हो जाएंगे, 12 हो गया ये, फोर थ्री था 12, 12 ऑपरेशन यहाँ आने चाहिए, कैसे कैसे आने चाहिए, आइडेंटिटी होगा 3 होगा, 3 सी 2 होगा, ये कितने होंगे, ठीक है, तो यहाँ से तो D2 हुआ होगा, यहाँ से तो D2 हुआ होगा, कितने हमको लाने 12 लाने हैं, तो 3 सिग्मा D हो गया, 3 सिग्मा D के साथ साथ यहाँ पे S21 प्रेजेंट होगा, ध्यान दीजिएगा DND में क्या है, DND में क्या है S21 प्रेजेंट है, DNH में क्या है, डीएनएच में एसएन प्रेजेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोग क्या करते हैं डीएनडी में भी
एसएन लिख देते हैं, तो डीएनडी में एसएन नहीं लिखना है, डीएनडी में एस टू एन कर देना है और डीएनएच में क्या करना है, एसएन करना है। यानी कि डी थ्री एच होता तो यहाँ पे एस थ्री होता, लेकिन डी थ्री डी है तो यहाँ पे क्या हो गया, एस सिक्स होगा, यानी टू थ्री जा क्या हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एस सिक्स कितने हैं, तो यहाँ पे देखिए आइडेंटिटी वन हो गया, यहाँ पे टू हो गया, इधर थ्री हो गया, इधर थ्री हो गया। एक चीज और डी, अब इसको नोट कर लीजिए कि डीएनएच, डीएनडी और डीएनएच, यहां पे एन इक्वल टू जब इवन हो तो आई नहीं है और यहां पे आई प्रेजेंट है। क्या हमने बोला, डीएनडी एन इक्वल टू इवन है तो आई अब्सेंट है और आई प्रेजेंट है, एन इक्वल टू ऑड है तो आई प्रेजेंट है आई अब्सेंट है, एन इक्वल टू डीएनडी है, अगर डीएनडी है तो यहां पे एस टू एन ऑपरेशन है, यहां पे एस एन ऑपरेशन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पॉइंट बुक में आपके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जो है आप जो है स्क्रीनशॉट लीजिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डीएनडी और डीएनएच में, यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते। ठीक है, तो क्या करना है, एन इक्वल टू इवन अगर है तो आई डीएनडी में नहीं है, लेकिन एन इक्वल टू ऑड है तो आई डीएनडी में है। देखिए एन इक्वल टू क्या, डी थ्री डी में ऑड है तो यहाँ पे आई भी एक होगा, पहली बार हो रहा है कि एन इक्वल टू ऑड होने पे आई प्रेजेंट हो रहा है। तो गिनिए यहाँ पे वन टू थ्री, थ्री थ्री कितना हो गया, सिक्स हो गया, सिक्स और थ्री कितना हो गया, नाइन हो गया, नाइन ये टेन हो गया, और टेन और कितना जोड़ पे ट्वेल्व बनाना है, टू, तो यहाँ पे एस सिक्स कितने हो गए, 2s6 हो गए, तो ये टोटल ऑपरेशन कितने हो गए, 12 हो गए। ठीक है ना, इसी तरह d4d के लिए देखा जाए, d4d के लिए देखा जाए, देखिए d4d में क्या होगा, नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने होंगे, तो 4n नंबर ऑफ ऑपरेशन होंगे, तो 4 इंटू 4 होगा, किसके लिए देख रहे हैं, d4d के लिए देख रहे हैं, तो 4 इंटू वो क्या होगा, 16 हो गया, तो आइडेंटिटी है c4 है, कितने c4, 3c4, 4c2 है, कितने c4, 4c4। अब s यहाँ पे sn है, s2n है, अच्छा 4 ये हो गया, साथ में 4 सिग्मा d हो गया तो 4 हो गया, एस टू एन है ना, तो 2 इंटू 4 कितना, एस 8 होना चाहिए यहाँ पे। अच्छा n इक्वल टू क्या है, n इक्वल टू इवन है तो क्या इसमें i होगा, नहीं होगा, i नहीं होगा, तो देखिए नंबर आप 16 लाने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1 और 3 4, 4 4 8 और 12, यहाँ पे 4 हो गया, टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने हो गए, 16 नंबर ऑफ ऑपरेशन हो गए। ये हमारे हुए क्या, ये हमारे डी एन टाइप के पॉइंट ग्रुप जो है खत्म हुए। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एसएन टाइप पॉइंट ग्रुप, एसएन टाइप पॉइंट ग्रुप। देखिए जो एसएन टाइप पॉइंट ग्रुप होते हैं ना, ये एन इक्वल टू जो इवन होता है वो पॉइंट ग्रुप होते हैं, यानी कि एस टू, एस फोर और एस सिक्स जो है, ये एस एट जो है, ये पॉइंट ग्रुप कहलाते हैं, और एन इक्वल टू जो ऑड होते हैं ना वो ऑपरेशन कहलाते हैं, ओनली केवल ऑपरेशन कहलाएंगे, ये हमारे पॉइंट ग्रुप नहीं होंगे। तो एसएन टाइप ग्रुप में अगर आपसे पूछा जाए जो पॉइंट ग्रुप होता है वो क्या होता है, जहां पे एन की वैल्यू इवन होगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस टू, एस फोर, एस सिक्स और एट, एस एट, और एस टू को हम मेनली तो आई बोलते हैं नंबर ऑफ ऑपरेशन, तो एस टू से हम नहीं पढ़ेंगे, एस फोर, सिक्स, एस एट का क्या पढ़ेंगे, पॉइंट ग्रुप पढ़ेंगे। यानी पहला हेडिंग डालिए एस फोर पॉइंट ग्रुप, एस फोर पॉइंट ग्रुप होता क्या, एस फोर पॉइंट ग्रुप। अच्छा एस फोर कैसे आता था, एस फोर में नंबर ऑफ ऑपरेशन देखेंगे तो नंबर ऑफ ऑपरेशन में एस फोर कितने, एस फोर वन, एस फोर टू, एस फोर थ्री और एस फोर फोर है ना, एस फोर है तो एस फोर का नंबर ऑफ ऑपरेशन देखें तो थ्री एस फोर आना चाहिए, यानी थ्री एस फोर और एक आइडेंटिटी, तो ये फोर वन जा फोर क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे करते कि एस फोर वन, एस फोर टू, एस फोर थ्री, एस फोर फोर है ना, तो याद देखिए एसएन ऑपरेशन कैसे आता था, देखिए एक सी एन लेते थे और उसके परपेंडिकुलर एन क्या करते थे, सिग्मा एच लगाते थे, सॉरी एस सिग्मा एच नहीं, एक सी एन है परपेंडिकुलर सिग्मा एच है, एक सी एन है परपेंडिकुलर सिग्मा एच है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी फोर है ना, एस फोर है ना, तो क्या हो जाएगा, सी फोर वन, देखिए एस फोर वन का ले रहे हैं तो सी फोर वन, और इसमें क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर सिग्मा एच। ठीक है, तो यहाँ पे वन है तो यहाँ पे सिग्मा वन,
अच्छा सिग्मा देखिए एच एच टू होता था तो एक बार सिग्मा घुमाते थे सिग्मा वन, तो ये वन इधर जाता था टू हो जाता था, ये टू इधर हो गया वन इधर आ गया, ठीक है। हम लोग वाटर मॉलिक्यूल में क्या करते थे, अगर सिग्मा लगाए तो एच वन एच टू का रिफ्लेक्शन होता था, एच टू इधर चला गया एच वन इधर आ गया, फिर से एक बार सिग्मा टू लगा दिए तो फिर से ये अपना आइडेंटिटी पा लेता था, एच वन इधर आ गया और एच टू इधर आ गया, यानी सिग्मा टू बराबर क्या होता आइडेंटिटी। तो याद रखिएगा सिग्मा वन हमने लिखा है तो वो प्लेन है, सिग्मा वन लिखा है तो प्लेन है, और सिग्मा जब भी दो बार लग जाए तो वो क्या है आइडेंटिटी है, ठीक है ना। तो सिग्मा वन को ही प्लेन बोलते हैं, सिग्मा टू बोलेंगे तो क्या होगा इवन नंबर में आइडेंटिटी हो जाएगा। तो सी फोर वन परपेंडिकुलर सिग्मा वन, तो ये क्या हो जाएगा एस फोर वन, है ना। सी फोर एस फोर टू को क्या बोलेंगे, सी फोर टू परपेंडिकुलर सिग्मा टू, और सिग्मा टू क्या होता है आइडेंटिटी होता है, और ये टू टू जा फोर हो जाएगा तो आगे लिखेंगे सी टू परपेंडिकुलर सी टू इंटू क्या आइडेंटिटी, और सी टू का आइडेंटिटी में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा सी टू आएगा। देखिए सी फोर टू था परपेंडिकुलर सिग्मा एस था, और सिग्मा एस को हम सिग्मा टू लिख रहे हैं यानी एस टू लिखना है यहाँ पे, तो सी फोर टू और परपेंडिकुलर सिग्मा टू यानी कि सी फोर टू 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 जो फोर सी टू इंटू वन सी टू का आइडेंटिटी में मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी ऑपरेशन का आइडेंटिटी में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो ऑपरेशन आ जाता है, तो यहाँ पे सी टू आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे सी फोर थ्री है और यहाँ पे क्या है परपेंडिकुलर सिग्मा है, यानी सी फोर के बाद क्या लगाना हमें को मल्टीप्लाई करना सिग्मा थ्री में, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन भी लगा सकते हैं, यानी कि इसके तुरंत बाद हमको क्या लगाना है सिग्मा लगाना है, और सिग्मा कौन सा थ्री लगाना है, और ये एन की वैल्यू इवन आठ होगी तो क्या होगा प्लेन होगा, तो ये क्या हो जाएगा सी फोर थ्री के बाद सिग्मा आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा एस फोर थ्री हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि सी फोर फोर इंटू सिग्मा फोर, तो ये क्या हो गया सी फोर फोर तो आइडेंटिटी सी वन हो गया, ये भी आइडेंटिटी, और यहाँ पे एन इक्वल टू इवन ये भी आइडेंटिटी, तो क्या हो जाएगा आइडेंटिटी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे टोटल अगर एस फोर की बात की जाए, एस फोर में कौन कौन से ऑपरेशन होते, एस फोर सी टू होता, एस फोर वन और सी टू, एस फोर थ्री और क्या आइडेंटिटी, ये हमारे ऑपरेशन होते। आपने क्या लिख दिया एग्जाम में क्वेश्चन आया एस फोर का जो है ऑपरेशन लिखे, आपने सीधे कर दिया सी एस फोर वन, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां देखिए हमारा सी टू आ रहा है, ठीक है एस फोर। इसी तरह आप एस सिक्स का करिएगा, एस सिक्स वन एस सिक्स टू एस सिक्स थ्री एस सिक्स फोर, उसके बाद से एस सिक्स वन सी सिक्स वन इंटू सिग्मा वन सी सिक्स टू इंटू सिग्मा टू, ये करिएगा। अगर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसके बाद से नेक्स्ट वीडियो में जो है इसको सॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है। पहले एस सिक्स आप खुद से ट्राई करिएगा, एस सिक्स जो है आप खुद से ट्राई करिएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं टेट्राहेड्रल एसएन पॉइंट ग्रुप, ये हो गया हमारा एसएन पॉइंट ग्रुप कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं हाई सिमेट्री की तरफ, हाई सिमेट्री हायर सिमेट्री पॉइंट ग्रुप की तरफ। देखिए हायर सिमेट्री पॉइंट ग्रुप में कौन कौन से पॉइंट ग्रुप हैं, टेट्राहेड्रल आइकोसाहेड्रल और जो है ऑक्टाहेड्रल, ठीक है ना। इसका नंबर ऑफ ऑपरेशन आप देखिए, नंबर ऑफ ऑपरेशन इसके आते हैं ई एट सी थ्री होता, थ्री सी टू होता, थ्री सिक्स सिग्मा सिक्स एस सिक्स होता और सिक्स सिग्मा डी होता, ठीक है। सिक्स एस एस होता एस फोर होता, सॉरी सी थ्री है थ्री सी टू है सिक्स एस फोर है सिक्स सिग्मा डी होगा, ये हमारे टोटल जो है। और कितने होते नंबर, छह छह बारह, बारह और तीन पंद्रह, पंद्रह और आठ तेईस और एक चौबीस। नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने होते टेट्राहेड्रल में, 24 नंबर ऑफ ऑपरेशन होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम टेट्राहेड्रल पे डिस्कशन करेंगे, आइकोसाहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल पे डिस्कशन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।